शिमला लॉकडाउन के चलते केंद्र सरकार ने देश भर में 200 ट्रेन चलाने की अनुमति दी है, जिसके लिए देश भर में ऑनलाइन बुकिंग जोरों पर है। लेकिन ऐसे मजदूर भी हैं जो ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकते हैं। ऐसे मजदूरों के लिए जो अपने घर जाना चाहते हैं, उनके लिए शिमला में रेलवे ने काउंटर बुकिंग शुरू की है। बुकिंग के लिए 2 काउंटर शुरू किए हैं। इन काउंटर में मजदूर बुकिंग करवाने तो पहुंचे, लेकिन उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा, क्योंकि 22 जून तक बिहार, झारखंड व यूपी की सभी ट्रेनें फुल चल रही हैं। शिमला रेलवे में मजदूरों के लिए काउंटर बुकिंग तो शुरू कर दी है, जहां बुकिंग करवाने के लिए बिहार, झारखंड व यूपी के मजदूर पहुंचे, लेकिन 22 जून तक सभी ट्रेन फुल हो चुकी हैं, इसलिए उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। मजदूरों ने बताया कि 23 जून की बुकिंग के लिए उन्हें कल बुलाया गया है। 22 मार्च से ही जब से लॉकडाउन है तब से ही फंसे हुए हैं, तब से ही जाना चाह रहे थे। मतलब लॉकडाउन फोर भी अब खत्म होने वाला है, घर जाने का कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। मैंने इसलिए मैंने कल न्यूज़ में देखे थे, जो रेलवे काउंटर पर बुकिंग चालू हो चुका है। ऑल इंडिया में हर जगह कहीं भी रेलवे काउंटर खुला है, बुकिंग चालू है। तो मैंने आज रेलवे काउंटर पर बुकिंग के लिए आया, जो कि 22 जून तक बुकिंग ओनली हो चुकी है ऑनलाइन। और जिस तरह हो चुकी है 22 जून तक बुक है, उन्होंने सर बताया है 23 जून के, 23 जून के अगर टिकट लेना चाहते हो तो आप कल सुबह 8 बजे आना। तो पड़ेगा क्या करें, देख रहे हैं। तो ट्रेन की अम्बाला टू समस्तीपुर के लिए मिलेगी, अम्बाला से फिर अम्बाला तक देखता हूँ किस तरह जाना पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल रोडवेज की कोई गाड़ी भी तो चल नहीं रहा है अम्बाला के लिए। मैंने सोच रहा हूँ किसी तरह अगर टिकट मिल जाए तो क्या करेंगे, पैदल ही निकल जाएंगे। 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन जब तक पहुँचे अम्बाला पहुँचेंगे। ट्रेन तो बस तो चल नहीं रही है किसी तरह। तो कितने लोग हैं आप इस तरह काम करते थे? न्यू बस स्टैंड में काम करते थे, तो आजकल काम तो बंद था। घर से पैसे मंगा के बस खा पी रहे थे, बस बैठे हुए। तो परिवार के बस दोस्त यार के साथ हैं, परिवार में 5-7 आदमी फंसे हुए। तो अब तो 22 जून तक अभी तो 1 महीने का और वेट करना पड़ेगा लगता है। बट अगर खुल गई है तब तो जाना तो करना है, जाएंगे, जाना तो है। और कब से आप इंतजार कर रहे? नहीं, बुकिंग तो नहीं हो पाई है। यहाँ पे आया है तो यहाँ बताया जो 22 तारीख तक बुकिंग हो चुकी है और 23 तारीख को टिकट मिलेगा, तो कल आइए उसके लिए। हमें को बिहार जाना है। हाँ, उम्मीद तो जगी है, तो इसीलिए तो यहाँ पे मैं आया हूँ कि कहीं बन जाए टिकट। वैसे तो कंफर्म मुझे भी पता नहीं था, लेकिन पता चला जो 22 तारीख तक बुकिंग है, कैसे? न्यूज़ में देखा था। न्यूज़ में देखा था। अच्छा, हाँ, इतने दिन से कहाँ काम काज था। मैं लॉकडाउन से पहले तो काम कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद तो कोई काम ही सारा बंद है, तो फिर काम क्या करेंगे। इनसे तो विचार नहीं आया था, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ रहा था उस तरह से तो कुछ न कुछ सोचना पड़ रहा था, जब मैं क्या करूँ। अच्छा, तो क्या लगता है जो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, या पैदल जाए या क्या करूँ, सोच रहे थे। चल रही है, लेकिन अब यहाँ तो आए हैं तो सर से पूछे हैं कि तो अम्बाला से ट्रेन है, तो हम सोच रहे थे जो अगर यहाँ से अगर प्राइवेट गाड़ी मिले या जो भी कुछ मिले। वो भी सर एक दिन बोले 23 तारीख को, हम एक दिन में सोच लेंगे कि मतलब वहाँ तक मैं कैसे जाऊँ, प्राइवेट गाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती। मैं जाके बात करूँगा वहाँ पे, सर मुझे तो अम्बाला तक छोड़ना है, क्या आप चलेंगे या नहीं चलेंगे। वहीं शिमला रेलवे स्टेशन मास्टर प्रिंस सेठी ने बताया कि शिमला में माल रोड पर रेलवे स्टेशन 2 काउंटर शुरू किए गए हैं, जिसकी बुकिंग के लिए 8 से 2 बजे तक का समय रखा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बुकिंग की जा रही है। शिमला से तो कोई ट्रेन नहीं चल रही है, लेकिन अम्बाला व कालका से ये बुकिंग की जा रही है। देखिए, कल मंडल कार्यालय से आदेश आए थे कि यहाँ पे जो दोनों काउंटर हैं वो दोनों काउंटर खोल दिए जाए। यहाँ का और ऊपर जो माल रोड स्थित हमारा काउंटर है, दोनों काउंटरों को आज खोला गया है। 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक की ये प्रिजत दी गई है। जो लोग ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवा सकते वो यहाँ पे काउंटर पे आके काउंटर से बुकिंग करवा सकते हैं। जो हमारी 100 पेयर जो अभी चले हैं, 200 गाड़ियाँ, और जो पहले से 15 पेयर हमारे चल रहे हैं, 30 गाड़ियाँ, उनके लिए यहाँ से रिजर्वेशन की जा सकती है। जिसमें जो लोग यहाँ से बिहार जाना चाहते हैं, हावड़ा जाना चाहते हैं, या बॉम्बे साइड जाना चाहते हैं, या कहीं भी जाना चाहते हैं, जो जो गाड़ियाँ अवेलेबल है उनके लिए बुकिंग करवाई जाती है। यहाँ पे आज सुबह से ही मैंने देखा था, क्योंकि अब सोशल डिस्टेंसिंग का स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है, तो इसलिए कल एडवांस में ही हमने, जो आपने देखा होगा, यहाँ पे जो लाइनिंग लगवा दी थी, जिससे कि जो भी लोग यहाँ पे बुकिंग करवाने के लिए आएँ उनको भी ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है, समझाया भी जाता है कि सोशल डिस्टेंस के हिसाब से खड़े हों, एक दूसरे से दूर खड़े हों और अपना बुकिंग करवा पाएँ। शिमला से कालका के लिए कोई भी गाड़ी अभी अनाउंस नहीं करी गई है। कालका से बांद्रा के लिए गाड़ी अनाउंस की गई है, कालका से अम्बाला के लिए भी गाड़ी अवेलेबल है, और अम्बाला से आगे विभिन्न रूटों पे अलग अलग गाड़ियां जो उसमें नॉमिनेटेड हैं 100 पेयर्स, उसमें अलग अलग जगह के लिए गाड़ियां अवेलेबल हैं। पीएल टीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।